सूट बताओ, सूट कैसा लग रहा है मेरा? रिश्तेदार सूट लग रहा है, एक नंबर जी पे चढ़ गया मेरे। दो दिन बाद एक प्रोग्राम में जाना है, मुझे दिखा देना, मैं भी पहन जाऊंगा। ले जाना भाई, इनका तो यही काम है, एंड पे कपड़े देते हैं। आपको कैसा लगा मेरा सूट? भाई मस्त लग रहा है यार, किसी महंगे शोरूम से डिजाइन करवाया दिखा तुमने? नहीं नहीं नहीं, महंगे शोरूम से तो डिजाइन चुराया है, सिलवाए मटके वाली गली में। 6,500 रुपए बच गए पूरे। बैंड बाजा तो बारात ले जाने में बजा करें, अब तो बहू आई है, अब क्या काम इसका? सबका अपना अपना तरीका है खुशी जाहिर करने का, मेरा तो बजाने का काम है। तुम कहो तो मैं मैयत में बजा दूं। रिश्तेदार पसंद बहुत अच्छी है आपकी चुराने में, पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे क्या? हाँ, एक दुकान खोली तो थी म्यूजिक की, चल नहीं भाई, ज्यादा दिन बंद कर दी। बस पहुंचने ही वाले हैं, घर पहुंचते ही ना पहले सीधा कमरे में चलेंगे। ठीक है। ये भाभी आ गई, भाभी आ गई, ये भाभी आ गई, भाभी आ गई। बस रोक ले भैया, रोक ले, मेरा ही लड़का आज बहू लेकर आया। अरे घोड़े नाच रही है, बहू को उतार ले जाके। मेरी मैया उतार तो रही हूँ। आजो मेरे बच्चों, आजो आजो। अम्मी सलाम वालेकुम, लिया है तुम्हारी बहू। वालेकुम अस्सलाम, कहीं ना तीर मार दिए तूने। आजा बेटी आजा, घर में बहुत काम पड़ा है करने के लिए, चलो अंदर। अच्छा भाई लोगों, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम मेरे बेटे का ब्याह करके बहू ले आए। मुझे तो काम से छुट्टी मिली नहीं, इसलिए मैं जा नहीं सका। तुम्हारा बड़ा एहसान है, बहू बेटे भी थक रहे हैं, मैं भी थक रहा हूँ, आप भी थक गए होगे। अब जाओ अपने घर, अब जाओ। आप भी जा रहे हो? आप भी जा रहे हो? तुम भी जा रहे हो क्या? अरे थक रहे हैं यार, थोड़े बैठ लें, आराम कर लें, सस्ता के चलेंगे। सही कह रहे हो। आ जाओ। फंक्शन तो काफी अच्छा करा था पापा इसके घर वालों ने, आपको बहुत मिस किया, लेकिन याद इतनी सी भी नहीं है ये। हाँ जी रिश्तेदार, क्या लगा है तुम्हें? ये जो बहू आई है, ये 2 रोटी देगी सेक के बुड्ढे बुढ़िया को? मुझे ना लगता आजी, मुझे तो ऐसा लगे चांद पिटेंगी इनकी। अरे नेक दुआओं से नवाजो लड़का लड़की को, तुम तो बद्दुआ दे रहे हो यार। बद्दुआ ना दे रहा मैं ये राय दे रहा हूँ। अरे अगर तुम्हें राय देने का इतना शौक है तो प्रोबो ऐप पे दो ना। प्रोबो ये क्या है? अरे प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें तुम सिर्फ हाँ और ना में जवाब देके बड़े प्रॉफिट कमा सकते हो और बड़ी आसानी से। तुमने कितने कमाए अभी तक? अरे रिश्तेदार देखो, जैसे अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का 5वां T20 मैच हुआ था ना, उसमें एक सवाल था, क्या सूर्य कुमार यादव 50 रन या उससे ज्यादा करेगा? मैंने हाँ में जवाब दिया, सूर्य कुमार यादव ने 50 रन से ज्यादा मारे और मुझे हुआ लाखों का प्रॉफिट। ये तो बड़ा मजेदार ऐप है। हाँ भाई, प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट और भी कई तरह की। 1 करोड़ लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देके लाखों रुपए कमाए। देखो जैसे अभी इंडिया आयरलैंड की सीरीज है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इंडिया आयरलैंड से ये T20 सीरीज जीतेगी? बताओ तुम्हारी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, टीम इंडिया आराम से जीत जाएगी, इसमें यस कर दो मेरा। देखो ना, मैंने यस सिलेक्ट किया और क्वांटिटी स्लाइडर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश। इन्हें ये और बता दो, ये पैसा निकलेगा कैसे? पैसा निकालना बहुत आसान है, गूगल पे, पेटीएम, UPI और एटसेट्रा की मदद से 24/7 अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पे हाँ और ना में ट्रेड करके इंस्टेंट पैसे जीत सकते हो। अरे वाह, तो भाई ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो अब कर लो ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, और अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो 25 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी करता हूँ डाउनलोड। अरे लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम हो कौन इनके? अरे वो मैं इनका दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार? कितनी दूर के? भाड़पुर के। चलो मैं जरा, मुझे अगली की तैयारी करनी है। चलो अच्छा ही हुआ, बुड्ढे बुढ़िया और उनका लौंडा 3 से 4 हो गए, अब आगे की जिंदगी सुकून से गुजरेगी उनकी, वरना बेचारी पूरी जिंदगी बुढ़िया ने ही काम किया है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन खुश नसीब होते हैं भैया वो बुड्ढे बुढ़िया जिन्हें बहू के हाथ का खाने को मिले। अरे ये क्या कह दिया तुमने, अगर मेरी बहू के सास ससुर देख रहे होंगे ना
तो दिल पे ले जाएंगे। चलो अब तो बहू आ गई, परमानेंट बैठकर खाने की दिन आ गए। अरे मेरी अम्मी, अरे मेरी जोरो, मेरा कोबरा फाड़ दिया। अरे आवाज सुनी तुमने कुछ? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्टील का भगोना मारा हो सर में। आए हुए 10 मिनट ना हुए, बुढ़िया ने आते ही काम बता दिया। लू कह रही है पापा का दूध उबाल के एक और मारूंगी अभी। एक मिनट रुको, शायद कोई बाहर आ रहा है। अरे रुकना जरा, आप कौन हो? आपको तो हमने इस घर में कभी नहीं देखा पहले। अरे मुझे लग रहा है ये इनके लौंडे की पहली बीवी है और यही लड़के जारी दिखे है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बीवी नहीं, खुशी हूँ इस घर की, लेकिन मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहती जिस घर में इतनी बुरी बहू आए। आए हुए 10 मिनट नहीं हुए, इसलिए अपने सास के सर में स्टील का भगोना मारा, मैं तो चली। बता, इनके घर से तो खुशी चली गई, अच्छी बहू आई इनके घर, बहू के आती ही खुशी चली गई, और बिना खुशियों का कैसा घर? यार देखो, ये चीजें नसीब पे टिकी हुई हैं, आधार कार्ड की फोटो और घर में बहू, उन्हीं की अच्छी आती है जिनके नसीब अच्छे होते हैं। भाई सही कह रहे हो तुम। सुनो, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है लफड़ा बढ़ गया। और मेरी सुनो, मेरा आदमी ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तू मेरे भगोना मारेगी? अच्छा छोड़ो इसे, बीच में से भाड़ दूंगी। अब समझा ले अपने बहू को। अरे मेरी सास अभी तुझे सास बना दूंगी, आते ही काम बता रही है, मैंने अपने घर पे एक फली के दोला कर लिया, छोड़ो तुम। अरे पापा तुम अम्मी को समझाओ, अम्मी ज्यादा फिजिकल हो रही है। रुको, कोई बाहर आ रहा शायद। अरे तुम कौन हो भाई? अब तुम्हें हमने नहीं देखा इस घर में पहले, तुम ही करवा रहे हो क्या अंदर लड़ाई? मैं कैसे करा सकता हूँ इस घर में लड़ाई, मैं तो इस घर का सुकून हूँ। लेकिन जिस घर की औरतें आपस में ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े ना, उस घर में मेरा गुजारा नहीं है, मैं तो चला इस घर से। लो पहले खुशी चली गई घर से और अब सुकून भी चला गया, अब बचाई क्या इस घर में? तू रुक जा, अभी तुझे बताऊंगी, रुक जा तू, अभी ऐसे नहीं मानेगी तू। ये ले किंग वाली स्लाइंग किक, ये ले ब्रूस ली वाली, ये ले अंडर टेकर वाली, ये ले खली वाली, खली तो बहुत ऊंचा कर ले, ले ले मस्ती वाली, ले रोमन रेंस। पीछे हो जाओ, पीछे कोई आ रहा है। अरे भाई तू कौन है? तुझे अब से पहले तो ना देखा हमने इस घर में? ये जासूस लग रहा है मुझे। जासूस और मैं? साहब तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। अरे मैं तो वो हूँ जो दुश्मनों के बीच में प्यार पैदा कर दूं और आपस में भाइयों को लड़ा दूं। लोग बाग मुझे पैसे के नाम से जानते हैं और मैं हूँ इस घर का पैसा। लेकिन मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रुकता जिस घर की औरतें शेर हो और आदमी की जुबान को कोको ले जाए। मैं तो चला। ये लो, खुशी भी गई इस घर से, सुकून भी गया इस घर से, पैसा भी चला गया, अब क्या होगा इस घर का? अब इस घर का नाश बहुत करीब है। अरे समझा लो इसे, मेरी माँ की सोख को इसके टांग को टांग रख के चीर दूंगी। अरे मैं क्या समझा लूंगा, तू ही छोटे बाप की हो जा, कोई दुनिया तेरे मुंह में बूंद देगी का नहीं? बहू आई है, हट जा भाई, हट जा। अरे मेरे ससुरी, अरे बीबी मैं क्या समझाऊं, जिससे तू लड़ रही है वो भी मेरी माई लगे, तू ही छोटे बाप की बन जा, तू ही मान जा, या तू लेगी मुंह में दुनिया का गू। अरे कौन जा रहा काले जिनावर से, रोकिए उसे। अबे ओ, अबे कौन है तू, अंदर क्या करने जा रहा? अब ओ काला जिनावर नहीं, लोग मुझे बर्बादी के नाम से जानते हैं, जिस घर से खुशी सुकून पैसा चला जाता है वही तो आती है बर्बादी। भाई अब चलो और इनसे रिश्तेदारी खत्म करो, क्योंकि अब ये घर बर्बादी की चपेट में आ चुका है। बर्बादी की चपेट में नहीं, बर्बादी घुस चुकी है, जल्दी निकलो। चलो बेचारे की अच्छी शादी हुई, अगर तुम्हारे पास ओपिनियन है तो उसे सोशल मीडिया, गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर मत दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्रोमो डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए तक का वेलकम बोनस लीजिए। ठीक है, और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक, वीडियो पे कमेंट, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू जी।